फिर नेक्स्ट आ गया बेवल, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। कोई भी डिग्री या कोई एंगल मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं बेवल प्रोटेक्टर। बेवल प्रोटेक्टर के अंदर एक डी हमारे पास ये बना होता है, डी के साथ एक आर्म होता है। तो आर्म को हमने जो भी एंगल है उसके साथ अलाइन करना है, और जो डिग्री है इसको 180 के ऊपर, जिस सरफेस ऊपर या नीचे, हम इसको बिल्कुल पैरेलल इस दोनों को एडजस्टमेंट करने के बाद फिर देखते हैं कि हमारे पास ये जो एक नीडल है, नीडल के ऊपर एक मार्क होता है। यहाँ पे जो मार्क होगा वो मार्क इंडिकेट करेगा कि कौन सा आपके पास एंगल शो हो रहा है, तो उससे हम उसकी मेजरमेंट ले सकते हैं एंगल की, डिग्री की। ठीक है, इसको कैसे यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट को, वो आपको वीडियो के अंदर मैं डिटेल से इसकी सारी आपको समझा देता हूँ। बिल्कुल ईजी मेथड है। एक मेरे पास और इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम कहते हैं बेवल प्रोटेक्टर। ठीक है, इसके अंदर एक डी बना हुआ है और एक आर्म है। जो डी है हमने 180 के ऊपर फिक्स करने के बाद आर्म को हमने जो भी आपको एंगल हो उसके साथ कंसाइड करना है, और हमने देखना है इसके ऊपर, आर्म के ऊपर एक पंच बना हुआ है, ये नज़र आ रहा है ऊपर एक पंच, ब्लैक सा पंच आपको इंडिकेट करेगा क्या डिग्री आपके पास आ रही है। ठीक है, तो मेरे पास है कि यहाँ पे देखें एक वर्क पीस है। ठीक है, इसके ऊपर एंगल्स बने हुए हैं, हमने क्या करना है, जो आपका डी है इसको हमने 180 वाली जो है सरफेस है उसके ऊपर हमने इसको बिल्कुल कंसाइड करना है। कंसाइड करने के बाद हमने जो आपका एंगल है आर्म है उसको भी उसके एंगल के बिल्कुल साइड कंसाइड कर लेना है। करने के बाद आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि वो इंडिकेट कर रहा है 60 और 120। अब आपने यहाँ पे समझने की बात है कि हमारा जो नॉर्मली सर्कल होता है वो फोर क्वाड्रेंट्स के अंदर स्टार्ट होता है। अब हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था, इस साइड से स्टार्ट किया था ना हमने, यहाँ पे 0 होगा, 90 होगा, 180 होगा। अब देखें हमारा जो एंगल है, ये वाला एंगल है, ये अब तकरीबन 90 से आगे जा रहा है, ये 90 से इस तरफ आ रहा है ना, ये देखें इस साइड पे आपका इस तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे आपका 120 होगा, यहाँ पे क्या होगा 120। तो ये आपने जेहन में रखना है। अगर इसके ऑल्टरनेटिव ये वाला देखें, इसके अंदर क्या, आप ये देखें, अब ये दूसरी तरफ से 0 स्टार्ट करेगा अपनी, मैंने कंसाइड किया मुकम्मल, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, तकरीबन गौर करें तो ये 94 आ रहा है तकरीबन, 94, ठीक है, 95 94 के करीब आ रहा है। तो इसको क्या तरीकाकार, इसका हमने किधर से लिया था ये देखें, अब हम इस साइड से ये एंगल ले रहे हैं, पहले ये वाला एंगल लिया था, अब ये वाला एंगल ले रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, 0 यहाँ से स्टार्ट किया 90 और 180, अब एंगल बन रहा है इस तरफ से, अब ये 90 से थोड़ा सा आगे जा रहा है, ये चेक करें, 90 से थोड़ा सा आगे जा रहा है, मतलब यहाँ पे आ रहा है, ये एंगल आपका इस तरफ बन रहा है, ये आपका 95 बनेगा। ठीक है, ये आपका एंगल 95 बनेगा। इस तरह हम इसकी जो भी डिग्री है वो मेजर कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपको क्लियर करता जाऊँ, कुछ एंगल्स होते हैं जिस तरह अब हम लेथ मशीन के ऊपर कोई डिग्री लगाना होता है तो डिग्री हम बेवल प्रोटेक्टर से मेजर नहीं कर सकते। अब यह देख सकते हैं ये एक इंक्लाइंड है, टेपर बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा ये बड़ा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये नहीं, छोटा डाया आपका माइनर और मिनर, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने क्या करना है, हमने इसकी टेपर जो डिग्री है वो आपने मेजर करनी है। इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला हमारे पास होता है जी, वो आपने गौर कर लेना है, इसको याद कर लेना है, डिग्री थीटा इक्वल होता है डी वन माइनस डी टू डिवाइडेड बाय 2L, आपके पास 2L आ गया, ठीक है। और इसका आपने मल्टीप्लाई टैन इनवर्स लेना है, टैन इनवर्स। अब इसके अंदर डी वन क्या होगा, आपका जो आपका मेजर डाया होता है इसको हम कहते हैं डी वन, ठीक है, ये वाला आपका डी वन है, जो रीडिंग आएगी आपने वो डी वन की जगह मेंशन कर देनी। अब यहाँ पे मैं फर्जी आपको कुछ रीडिंग्स दिखा रहा हूँ लिख के, लेट्स सपोज 20 माइनस आपके पास ये वाली आ जाएगी स्मॉल डाया जो है, ठीक है, आपने ये मेजर कर लेना है। तो इसकी जो रीडिंग आएगी वो यहाँ पे आपने वो कर देनी है 2L। अब बेसिकली हमारे पास ये लेंथ है, ये वाली इसकी जो लेंथ है ये हमने यहाँ पे मेजर कर लेनी है। वैसे तो इसका तरीका क्या है कि हम इसको हाइट गेज पे करें, वैसे इस तरह भी कर सकते हैं और आपने हाइट गेज से भी इसको कर सकते हैं। अब इसको हम हाइट गेज से, मैं आपको करके दिखाता हूँ वहाँ पे किस तरह करते हैं।
तो जो भी आपकी रीडिंग आएगी वो आपने वो यहाँ पे इसके नीचे मेंशन कर देनी है। जो भी आपका आंसर आएगा, लेट्स सपोज हमारे पास आ रहा है जी 2.8 आ रहा है, तो इसका आपने 10 इनवर्स लेना है। जैसे 10 इनवर्स लेंगे जो आपको जो डिग्री आ जाएगी, जो भी डिग्री आती है, तो मैंने एक फॉर एग्जांपल आपके लिए सारा सॉल्व किया है। जो भी आपको उस डिग्री आएगी तो आपका मतलब वो डिग्री ये वाली आपकी होगी, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं दिखा भी देता हूँ, अगर हमारे पास एक ड्राइंग हो तो ये बेसिकली हमारे पास एंगल है। इसको मैं स्ट्रेट लाइन थोड़ी सी ले जाऊं तो ये एक एंगल आपका बन रहा है। इस तरह नीचे भी इसको मैं स्ट्रेट लाइन ले जाऊं तो ये एक एंगल बन रहा है, ठीक है। ये आपका जो एंगल है वो हम इस तरह निकाल सकते हैं, ठीक है।